नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोजाना आपको किसानों के मुद्दों को लेकर आपसे रोज चर्चा कर रहे हैं, आपको खबरों में भी दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर किस तरीके से किसान सड़कों पर उतर आए। यहां तक कि हमने ये भी दिखाया था कि जब 26 नवंबर में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब किसानों पर अलग अलग तरीके से सरकार द्वारा उन्हें रोका गया था, और आगे जब ये आंदोलन बढ़ता गया दिन प्रतिदिन, आज इसे 13 दिन हो चुके हैं। इस 13वें दिन में आज भारत बंद का आंदोलन शुरू हुआ कि आज भारत बंद किया जाएगा। इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रही है खास शख्सियत जिनका नाम है सुजाता पॉल, जो कि विद कांग्रेस कोऑर्डिनेटर है, तो हम उनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पर। स्वागत है मैम आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में। मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रो हमारे दर्शकों को दें। अपना इंट्रो, ये तो बड़ा मुश्किल काम कर दिया। मैं इस देश की नागरिक हूँ, मुझे ऐसा लगता आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपको खुद को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है। जी, मैं वेलम गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने 15 साल वहाँ पढ़ाया है। उसके अलावा मैं थिएटर एक्टिविस्ट हूँ, थिएटर से जुड़ी रही हूँ बहुत सालों से, और बहुत कम उम्र से। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं अखबारों में भी लिखती रही हूँ। जब मैं पढ़ती थी लखनऊ में, मैंने तब लिखना शुरू किया था पायनियर और स्वतंत्र भारत में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में भी मेरे लेख छपे हैं। और उसके अलावा मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हम सबको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब मैंने ये देखा कि जिस प्रकार से देश में चीजें बदल गई हैं पिछले 6 सालों में, तो मैंने अपने फेसबुक पे लिखना शुरू किया, और करीबन 2 साल पहले मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था, जिसमें आज करीबन 6 लाख फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, ट्विटर अभी शुरू किया है, और इसी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करना और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, ताकि हम जागरूक होकर ये समझ सके कि कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। उन मुद्दों को ना केवल उठाना, परंतु उसके बारे में लोगों को ये बताना कि आप अपनी चॉइस करें और सोचें, समझें। आप किसी के कहने में या बहकावे में आकर अपना डिसीशन ना लें, अपनी बातों को मत डिसाइड करिए कि आपको क्या कहना है। ये काम मैं कर रही हूँ। और उसके बाद अप्रैल के महीने से, अगर मैं कहूँ तो, मुझे कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया दिल्ली से, और उसके लिए मैं अपने नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के विद कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और इस वक्त मैं उस पोजीशन पे हूँ। तो ये है मेरी। जी, जैसे कि आपने मुझे बताया, अपना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगा, आपका सोशल मीडिया से कनेक्ट होना। आज के टाइम पे जितने भी युवा है वो ज्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्ट है। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आजकल हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम सब सोशल मीडिया से करते हैं। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, आप उसे लेकर किस तरीके से बताएंगे कि, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा रहा है। लोग अच्छी चीजों को कम अपनाते हैं और बुरी चीजों को हम ज्यादा शेयर करते हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे कि किस तरीके की सिचुएशन आपको भी सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता होगा? देखिए, कई चीजों का सामना करना पड़ता है, अपशब्दों का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह की बातों को सुनना पड़ता है, लेकिन उसका एक कारण है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया जो है उसके दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा, और वो चॉइस हमारे ऊपर होती है कि हम किसको चुनेंगे। तो अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो किसान मुद्दों को लेकर अगर किसान आज आंदोलनरत हैं और आज आंदोलन इस जगह पे पहुंच गया है, तो उसका एक कारण है। जब ये किसान कानून लाए गए, तो ये किस प्रकार से लाए गए, ये बिल जो है एक अध्यादेश के रूप में जून के महीने में लाया गया। उस वक्त कोविड काल चल रहा था, इसलिए बहुत, मतलब कोविड काल अभी भी चल रहा है, लेकिन तब वो चरम पे था, और किसान भाई जो है हमारे, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे, मगर उनको दिखाया नहीं जा रहा था। उसका एक कारण है। आप मुझे बताइए कि कितने चैनल ऐसे हैं जो अंबानी जी ने खरीद लिए हैं, तो अंबानी के 20 चैनल अगर कुछ दिखाएंगे तो वो केवल अपने हित का दिखाएंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि अंबानी और अडानी केवल व्यापारी है,
देश के नागरिक है मगर उनके लिए उनका व्यापार सर्वोपरि है। तो नहीं, कहीं ना कहीं तो बीजेपी सरकार भी यही कहती आई है कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, उसने भी किसानों का हनन किया है। जैसे कि आप कह रही है कि जितने भी चैनल्स है, चैनल्स ये नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखा रहा, तो कहीं ना कहीं चैनल्स ये भी दिखा रहे हैं कि अच्छे कार्य को भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आज किसानों की आवाज है वो एक चैनल के द्वारा ही उठ रही है, आज पूरी मीडिया जो है किसानों के लिए साथ खड़ी है, उनकी आवाज को बुलंद कर रही है। तो इसलिए आप मतलब अब सवाल आप पे भी उठ रहा है, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ये कह रही है कि विपक्ष ने 70 सालों तक कुछ नहीं करा, आप उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, मैं मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ जी। आप इस चीज को भी देख लीजिए कि अगर आप किसी भाजपाई नेता को बुलाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल पे तो वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर YouTube चैनल्स, वेब पोर्टल्स पे नेता जाने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो भी किसान हित में बोलना शुरू कर देंगे और वहीं पे इनको तकलीफ होगी। अगर इनके प्रवक्ता कहीं जा रहे हैं तो वो प्रवक्ता उन 20 चैनलों में जा रहे हैं जो अंबानी द्वारा कंट्रोल्ड है, उनके हाथ में है। ये मत सोचिए कि जो बातें हम सुनने को हमें मिल रही हैं वो बातें, हमारी बातें जो है उठाने की बात आपने कही तो हमारी बातें मेन स्ट्रीम चैनल नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए तो अगर आप देखें कि जहां जहां आंदोलन होता है वहां वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाया जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है भाई? इसलिए होता है क्योंकि ये गोदी मीडिया का नाम इसीलिए इनको मिला है। तो अगर आप अच्छा, और दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, पहली बात तो 70 साल नहीं, उन 70 सालों में आप मोदी जी का कुछ टाइम भी निकाल दीजिए क्योंकि 47 से लेकर अभी तक, अब तो 75 साल होंगे ना जी। विपक्ष का ये कहना है, जैसे कि अभी आपने देखा हाल ही में जेपी नड्डा दौरे पे आए हैं उत्तराखंड के, देहरादून में थे, उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, उसी दौरान उन्होंने कहा कि जो जितने भी ये बिल पारित किए जा रहे हैं ये कांग्रेस के लाए हुए थे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब उसके जो उसके मतलब चुनाव के टाइम पे उसके जो पार्टी में उसने रखे हुए थे अपनी चीजों को संभाल के कि हाँ आने वाले टाइम पे हम इस तरीके से इन्हें पारित करेंगे या अपनी चीजों को अपने नियमों को लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष के ही मुद्दों को हमने उठाया है तो विपक्ष इसलिए ना खुश है। देखिए, पहली बात तो ये उनकी बात पे पहले कहूंगी फिर कांग्रेस वाली बात कहूंगी। इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, तो उनका एडमिशन है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा ना जी ये बात कह रहे, तो इस बात को आप भी मानेंगे कि वो ये मानते हैं कि उनकी सोच नहीं है, कांग्रेस ही है जो किसानों के बारे में सोच रही है और कानून लाने के बारे में सोच रही है। एक लोकतंत्र जहाँ पे एक सुई भी नहीं बनती थी वो धीरे धीरे देश बढ़ता है, लेकिन देश को विभाजित करने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जो बात आपने कही उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि उनकी कोई अपनी सोच नहीं, अपना विजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस के कंधों पर बंदूक रख कर चलाना कहां तक उन्हें शोभा देती है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इससे साफ है कि वो नाम कांग्रेस का ला रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस भी बिल लाना चाहती थी, ये तो कहा जी, कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना चाहती है वो आप पे जी। भाई मैं बता रही हूँ आपको जी। तो लेकिन कहीं पे भी कांग्रेस ने क्या कभी किसी उद्योगपति को बेचा है ये देश? ये देश आज बिक चुका है अडानी और अंबानी को, क्योंकि अडानी ने साइलोस खोल दिए हैं और साइलों में भंडारण ऑलरेडी शुरू हो गया, जबकि भंडारण एक बहुत बड़ा इशू होता था पहले। आप मुझे एक और चीज बताइए कि जो कानून लाया गया, जिस प्रकार से ये कानून लाए, क्या कभी कांग्रेस ऐसे कानून लेके आई कि ध्वनिमत से पारित कर दिया, ऑर्डिनेंस के तौर पे ऐसे ही कोई इतना आवश्यक कानून ऐसे ही करके ले आए? नहीं, उस पे आम सहमति बनाई जाती है, बातचीत करी जाती है और तभी कोई कानून लाया जाता है। मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में। भूमि अधिग्रहण बिल यानी कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो सकता था, कितना खतरनाक बिल था। उसमें क्या हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कैसे काम करती है और ये कैसे काम करती है इसमें फर्क है। अगर किसानों के हित के बारे में सोच रही होती तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये किसानों के नाम पे किसानों पर राजनीति करके किसानों पर व्यापार कर रही है, किसानों को बेच रही है और देश को गरीब कर रही है। और केवल गुजरात से आए वो जो अडानी अंबानी और उनके जैसे उद्योगपति हैं उनको अमीर बनाने की राह पे चली हुई है। ये मत सोचिए कि हमारे बाकी देश के किसी भी व्यक्ति को कोई भी फायदा होने वाला है इससे, किसानों को तो गुजरात में भी फायदा नहीं होने वाला है। अब आपने बात करी कि किस प्रकार से ये कानून लाया गया, आप मुझे बताइए हम क्या कभी
कानून को अध्यादेश के तौर पर लाकर उसको थोप देते हैं। किसान नहीं, नहीं चाहिए कानून, ये थोप दे रहे हैं किसानों के ऊपर। तो ये कह रहे हैं हमने तो कमेटी बनाकर इस कानून को पारित किया है, पहले हमने कमेटी बनाई थी किसानों से उनके मुद्दों को जानकर तब, और इसका उद्देश्य इनका कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य है कि उनकी आय की आय जो है वो दोगुना की जाएगी इसके इस कानून से, मतलब उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि वो कहेंगे कि नुकसान नहीं है, और जो मेन स्टेक होल्डर है, जो जो असली हितधारक है कि कृषि का, वो किसान है जो फसल को उपजाएगा, जो उसको बोएगा, जो उसका संरक्षण करेगा, जो उसको उस फसल को आगे जाके बेचेगा। अगर हम उसके हित के बारे में बोल रहे हैं तो क्या उस हितधारक की बात नहीं सुनी जानी चाहिए थी? मैं जो बात कह रही थी उसे पूरा कर दूं कि भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस के टाइम पे लाया गया था, कांग्रेस के टाइम पे, उस समय जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें ऑब्वियसली कांग्रेस के मेंबर थे, मगर उसकी अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन उसकी अध्यक्षा थी, और उस स्टैंडिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें कौन थे? उसमें किसानों को भी बुलाया गया, किसानों से भी बात करी गई, उनकी फीडबैक ली गई। तो आप मुझे बताइए, आज कह रहे कि हम कानून ले आएंगे क्योंकि हम जनप्रतिनिधि बन गए। एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरा जनप्रतिनिधि जाके संसद में कोई बात कहता है, किसी चीज पे बयान देता है, और मेरे संसदीय क्षेत्र का वो है, और मुझे मैं उसका खिलाफत करती हूँ, और अधिकांश लोग खिलाफत करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या उसने जो कहा है मेरे सांसद ने, उसे उस बात को वापस नहीं लेना पड़ेगा? वो मेरा प्रतिनिधि है, हो सकता है वो कोई बात कह देता है, उस बात को वापस लेने में उसकी क्या बेइज्जती हो जाएगी? वो ये कह सकता है, भाई मैंने ये कहा, मैं जनप्रतिनिधि होके आया था ये कहने, मगर मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है। ऐसे चलता है लोकतंत्र, ऐसे तानाशाही तरीके से नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी का आपने इतना बड़ा मौनेंद्र मोदी देखे हैं कहीं पे? जब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। एमएसपी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर सांसद में कहा था कि आप एमएसपी को रखना चाहिए। उन्होंने आढ़तियों को क्या कहा था कि आढ़ती जो है वो किसान का एटीएम जैसा होता है। आज किसान के बारे में कौन बात कर रहा है? किसान के बारे में बात नहीं कर रहा, ये जो है ये पूरे मुद्दे को हमें किसान और कृषि कानून बिल पर रखना चाहिए, क्योंकि ये कृषि कानून बिल अडानी अंबानी फार्म बिल है। लेकिन अगर किसान बोल रहा है कुछ तो उसकी बात सुननी चाहिए सरकार को। और जो विपक्ष है, विपक्ष को आप नजर बंद कर दीजिए, विपक्ष को कह दीजिए कि वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। भाई जिस देश का 67-68% किसान है तो किसान के लिए कौन बोलेगा? अगर सरकार सुनी लेती किसान के बारे में तो विपक्ष को बोलना क्यों पड़ता? विपक्ष को तो सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि किसान की बात ही नहीं सुन रहे ना सरकार। तो कल भी बैठक है, कल भी बैठक का आयोजन किया जाएगा, पांचवें दौरे की बैठक होगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस विरोध जो प्रदर्शन हो रहा है इसका निष्कर्ष निकलता है? ये छठे दौर की अब बातचीत होगी जी, देखिए पांच दौर के होने के बाद पांच दौर फेल जी, और इन पांचों दौरों की बैठक में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमेशा पीछे रहे जी। जी आप कुछ कह रही थी, सुनाई नहीं दिया मुझे जी। कहीं ना कहीं पांच दौरे की जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री पीछे रहे, तो उसको आप लेकर क्या कहेंगी? उन्होंने मतलब फ्रंट में आकर बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी के एक बात जरूर कहूंगी, जब कुछ अच्छा होगा तो प्रधानमंत्री जी को ये क्रेडिट देंगे, क्योंकि ये फैशिज्म को फॉलो करते हैं। ये हिटलर के जो नारे हैं वही नारे इनके नारे हैं। गोलवालकर जी जो इनके गांधी हैं, हमारे नहीं है, गोलवालकर जी हैं इनके गांधी। आपको पता है कि गोलवालकर जी भी जेल गए थे गांधी जी की हत्या के आरोप में, वो छूट गए, बरी हो गए, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने कहा था एक नेता एक देश एक विचारधारा, ये है उनके उनकी सोच। तो अगर आप देखते हैं मोदी जी को वो सामने नहीं आए, वो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, मगर इन्होंने बीजेपी को कांग्रेस युक्त कर दिया, प्रधानमंत्री जी को तानाशाह बना दिया। और तानाशाह कैसा कि हर अच्छी चीज का क्रेडिट उनको। आपने ये तोमर जी का नाम सुना था कभी पहले? नहीं सुना ना किसी? आप जानते हैं लेबर मिनिस्टर का नाम क्या? अगर मैं ऑफ हैंड आपसे पूछने लगूं किसी नेता का नाम आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब केवल मोदी पार्टी बनकर रह गई है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसानों से बातचीत शुरू हुई थी तो किस प्रकार से अलग अलग बयान आए। पहले इन लोगों ने कहा कि किसान राजनीति कर रहा है। जनरल वीके सिंह को देखिए, कह रहे हैं कि मैं टीवी पे कई लोगों को पहचान सकता हूं कि ये किसान नहीं है। कोई कह रहा है ये पाकिस्तानी, कोई कह रहा खालिस्तानी। उसके बाद जब कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनमें से दो खालिस्तानी बता दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिसरेप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। और इस पार्टी की खासियत है,
मोदी जी सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन ये बात आई कि कृषि मंत्री अब संशोधन के लिए मान गए हैं और वो किसानों को ये बात कहने जा रहे हैं, ये बात पहले मीडिया को पता चल गई, अब किसानों के साथ बातचीत होनी थी और इन्होंने क्या किया, सुबह जाकर ये मुलाकात करते हैं मोदी जी से। क्यों? अगर वो बात पे किसान भाई हमारे मान जाते तो ये कहते मोदी जी ने किया। अरे भाई, लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चल रही है। आप जिस तरीके से आज लोगों को नजर बंद करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसानों का जो ये मूवमेंट है, इमरजेंसी की बड़ी बातें करी जाती है, इमरजेंसी में भी सरकार गिरी थी, हमारी सरकार थी ना, गिरी थी ना। मैं आपको बता दूं कि आज भी जो हालात है, ये डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इमरजेंसी है। इनका बस चले तो ये डिक्लेयर भी करते, मगर क्या करे, इन्हें तो उस इमरजेंसी को भुनाना है और बताना है कि भाई हम तो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम तुम्हारी आवाज को दबाएंगे। भाई मर दो हमें जेल में, डाल दो हमें जेल में, फांसी पे चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, देश के लिए चले जाएंगे। मगर तुम अगर हमारे किसानों की बात नहीं सुनोगे और ये सोच के आपको लाया गया कि आप तो एक गरीब व्यक्ति हैं, आप देश को सही रास्ते पे ले जाओगे, आप सोच रहे देश आपकी आपकी मिल्कियत है, देश आपकी मिल्कियत नहीं है, देश को आपको दिया गया है उसको संभाल के रखने के लिए। आपने प्लेन बेच दिए, हमारे एयर इंडिया को बेच दिया, आपने ट्रेन बेच दिया, आपने छोड़ा क्या, आपने जितने पीएसयू है उनको बेच दिया, तो आप कर क्या रहे? आप विपक्षियों को सुनना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, ये कानून किस प्रकार से ध्वनि मत से पारित करा गया, क्या ये आवश्यक नहीं था कि इस पे बहस होती, हो जाती ना बहस। अब ये किसानों को कह रहे हैं हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं, जो बात आप कह रही है, आप मुझे बताइए वार्ता अब होनी चाहिए थी या बिल लाने के पहले वार्ता होनी चाहिए थी कि इसमें हम ये रख रहे हैं। इन्होंने, इनका कहना है कि पहले हमने कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी में इस विचार, इस मतलब जो ये कानून थे, इसे पूरी तरीके से विचार विमर्श करके तब पारित किया गया था, तब हमने जी ऑर्डिनेंस के तौर पे लेके आए, तभी इन्होंने ध्वनि मत से पारित किया, मान लिया। हो सकता है कि एक स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग हुई होगी, हो सकता है कि वहां पे उन्होंने बातचीत करी होगी, लेकिन उसके बाद आप बहस तो करवाएंगे, जिस तरह से बहस हुई थी लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं था इसलिए आपने ध्वनि मत से इसको पारित किया। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप वहां डिवीजन ऑफ वोट्स करा लेते तो आप इसे पास नहीं करा पाते, और इसी वजह से तो ये जो धर्म की राजनीति ये खेलते रहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहते हैं, ये केवल और केवल इसीलिए करते हैं ताकि लोग विभाजित रहें इन मुद्दों पर, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जी। और अभी किसानों का भी कहना था, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों का भी कहना था, कहीं ना कहीं किसानों के भी जत्थों को इन्होंने बांटने की कोशिश की थी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बुलाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल, मैंने ये शुरू में ही कह दिया था कि ये इन्हें बांटने की पूरी कोशिश करेंगे और अभी भी कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि इनके अंदर खुद भी जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं इसको कैसे हैंडल करना, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस इनको नहीं है। ये विपक्ष में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, मगर जब सत्ता में आ गए तो इन्हें सत्ता संभालने का ना तो एक्सपीरियंस है, ना इन्हें सत्ता संभालनी आती है। आप देखिए, उधर चाइना जो है वो हमारे देश के अंदर घुसे जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कोई नहीं आया, इधर किसान कह रहे हैं भाई हमसे बात कर लो, किसानों से ये बात करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, मोदी जी जाके वाराणसी में कहते हैं, ऐसे बातें बताते हैं कि भाई कृषि कानून बड़े अच्छे बड़े, अगर तुम्हारे अच्छे होंगे ना, किसान से भी तो पूछ लो, अगर किसान कह रहा है कि ठीक नहीं है तो उनसे बात तो करोगे। और किसानों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें हम संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप मुझे एक और चीज बताइए, किसानों को क्या कोर्ट जाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इसमें इन्होंने अधिकार दे दिया कि जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो बड़े व्यापारी से करेगा। आप मुझे बताइए, अगर आप ही जाती हैं एसडीएम के यहाँ बिना अपने पत्रकार के कार्ड के, आपकी कोई सुनेगा? तो किसान की कौन सुनेगा? किसान, जो किसान जाएगा वहां पे उसका क्या हाल किया जाएगा? एसडीएम के बाद डीएम के पास, डीएम के बाद एक एपिलेट अथॉरिटी, ऐसे चलेगा? किसान जो है वो वैसे ही दबा कुचला है, और आप चाहते हैं कि वो किसान जो है उसकी सुनवाई न्यायालय तक ना हो। और अगर अगर हम ये सिस्टम बनाते भी है तो आप मुझे बताइए, न्यायालय तक भी पहुंच जाएगा तो किसान का क्या हाल होगा, आप भी जानती हैं। तो अगर ऐसा कानून लाया गया है जिसमें न्यायालय का अधिकार अगर हटा दिया गया तो ये अवैधानिक असंवैधानिक नहीं लग रहा? तो ये सारे जो असली मुद्दे, इनको दबाने के लिए इस वक्त जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, पहले इन्होंने, देखिए इनका भी क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इन्होंने नैरेटिव क्या चलाया जब किसान सड़क पे आ गए, इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी ये सारी बातें करनी शुरू कर दी। अब पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। जब हमारे मोदी जी जाते हैं, ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार करने, तब ठीक था, और जब
कनाडा के प्रधानमंत्री कुछ बोल देते हैं कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं कि वो प्रदर्शन भी देखा गया कनाडा की सड़कों में, कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी देखा गया, वहां के लोगों ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करे। बिल्कुल, तो यही कह रही हूँ, केवल वही नहीं पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। तो क्रोनोलॉजी क्या है, जब ये सड़कों पे आ गए तो पहले इन्हें रोकने की कोशिश करी गई, फिर इनको क्या किया गया, इनको बदनाम करने की कोशिश करी गई, फिर जब देखा कि वो भी नहीं हो रहा है तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये थर्ड स्टेज है, विपक्ष पर तो ये भी इल्जाम लगाया गया है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं फंडिंग भी की है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तीसरे स्टेज पे आ रही हूँ, इन्होंने कहा तीसरे स्टेज पे, वो भी कहा सड़क पे आने के पहले, मैं उसके पहले के जो स्टेजेस है वो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इनके सड़क पे आने के बाद की बात बता रही हूँ। पहला स्टेज है, इनको इन्होंने क्या किया रोकने के लिए, सड़कें खोद दी, तमाम तरह की चीजें करी, फिर इनको बदनाम करने की कोशिश करी गई, फिर जब इन्होंने देखा ये बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, भाई कितनी बेइज्जती करी सरकार की कि सरकार बुलाती है वार्ता के लिए, ये अपना खाना खुद लेके जाते हैं, क्योंकि सरकार को खाना अन्नदाता देता है, सरकार उन्हें खाना नहीं दे रही, अगर ये किसान नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, सरकार भी खाना नहीं खाएगी। अब देखिए तीसरे दौर पे वो यस और नो का बोर्ड दिखा देते हैं, कहते भाई अब बहुत हो गई बातचीत, अब तुम इस कानून को वापस ले रहे हो या नहीं ये बता दो, अगर वापस लेने को तैयार हो तो ठीक है। फिर ये क्या चालाकी करते हैं, ये कहते हैं कि हम वार्ता करेंगे 9 तारीख को। भाई जब तुम्हें पता है कि इतनी ठंड है, वो सड़कों पे हमारे किसान भाई है, तो जरूरी नहीं है पहले पानी फेंक रहे हो, कभी टियर गैस फेंक रहे हो, कि तुम उनसे बातचीत करो और उन्हें उनके घर भेजो ताकि वो आराम से अपनी खेती करे, इस वक्त खेतों में उनकी जरूरत है, लेकिन आप उनको प्रताड़ित करके उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। यहीं पे ये जो तीसरा स्टेज है ना, ये तोड़ने का स्टेज है। इन्होंने जब कहा कि राजनीतिक दल इस पे राजनीति कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि इन्हें तोड़ा जाए, और कमाल की बात देखिए कौन कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं, और इनके नेता जो कह रहे हैं वही हर मेनस्ट्रीम चैनल बोल रहा है। ऐसे लगता है, कल मैं रविशंकर प्रसाद जी को सुन रही थी, जो कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे लग रहा था हू बहू वो पढ़ के सुना रहे हैं जो इसके पहले से ही मीडिया चैनल्स बोल रहे थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, मतलब इन्होंने फीड करके रख दिया है और जो एजेंडा बनाकर रखा है एक चीज को। नहीं देखिए एक और बात, कितने कमाल की बात है ना कि अडानी अंबानी के जो किसान कानून है उनका विरोध कर रहे हैं किसान, अडानी अंबानी के जो चैनल है वो कह रहे हैं कि किसी को नहीं है विरोध, कोई नहीं कर रहा विरोध, सब कुछ ठीक चल रहा है, और जो किसान है वो विरोध नहीं कर रहा, राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करिए, आपने भले ही मेनस्ट्रीम चैनल्स खरीद लिए हो लेकिन आप देश को बेवकूफ इस प्रकार से नहीं बना पाएंगे। जी तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब अब वार्ता होगी उसमें कोई हल निकलेगा, देखिए क्योंकि इन्होंने तो कहा है हमने कोई भी कानून वापस करा ही नहीं है, अभी कर रही हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप अगर कानून की बात करें तो इसके लिए बहुत मुश्किल है इन कानूनों को वापस लेना। क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये कानून जो है ये अडानी अंबानी की वजह से लाए गए हैं, ये किस दुविधा में फंसे हुए आप समझिए, आज मोदी जी उस कुर्सी पे ना बैठे होते अगर अडानी अंबानी ने इतना पैसा उन पर नहीं लगाया होता। ये तो खबरें हमेशा से आती रही हैं कि उन्होंने कहा था कि अडवानी नहीं हम तो पैसा लगाएंगे नरेंद्र मोदी पर, और अगर आप उन्हें कैंडिडेट बनाए, ये भी लोकतंत्र की हत्या थी, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, जो अपने नेताओं को चुनते हैं, इन्होंने उस पूरी चीज को खत्म कर दिया क्योंकि ये हमारे संविधान में विश्वास वैसे ही नहीं रखते। उसके बाद देखिए जब ये किन 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 जहाजों में कैसे घूम रहे थे, किस प्रकार की कैंपेनिंग 2013-14 में हुई, 18-19 में हुई, अब मोदी जी कोई है ही नहीं, उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है कि वो कहे कि हम कानून वापस लेंगे। अब तो मोदी जी को जाके अडानी अंबानी से पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या करे, कानून वापस ले क्या, हो सकता है वो ही तैयार हो जाए, भाई एक बार पूछ के तो देख लो। और बीजेपी को इसमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये मामला किसान और सरकार के बीच का, इसलिए सरकार जो है उसके लिए
अगर वो मुखौटा है अडानी अंबानी का तो वो जाके उनसे पूछ ले। इस वजह से इन्हें दिक्कत आ रही है, जब तक अडानी अंबानी हाँ नहीं करते तब तक ये कानून वापस देने को तैयार नहीं। मगर हमारा भी तो देश है, हम भी तो लोकतंत्र में रहते हैं और किसान भाई जब तक अपनी आवाज को उठाएंगे तब तक हम भी आवाज उठाएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए किस प्रकार से कहा जा रहा है कि नहीं वहां के लोग जो है वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है आप नेताओं को खोल के तो छोड़िए जरा, आप लोगों ने बंद करके रखा है। आप सोशल मीडिया पे जिस तरह देखिए मेरा ट्विटर जो है उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, मेरे पेज को ब्लॉक कर दिया, मुझे तमाम तरह की वार्निंग्स आती हैं कि आपके पेज को मतलब अनपब्लिश कर देंगे, डिलीट कर देंगे ट्विटर अकाउंट को। मैंने कहा ना आप देखिए अब ये समय था ट्विटर अकाउंट को बंद करने का, कितने झगड़े करे। कंगना रनौत की भाषा देखी, मेरी तो भाषा ही नहीं है वैसे। तो भाई आप समझिए इन्होंने कंट्रोल कर रखा, एक बार इन्होंने छोड़ दिया तो आप देखिएगा कि कितनी आवाजें उठती हैं, ये संभाल नहीं पाएंगे। और कृषि कानून इन्हें वापस लेने पड़ेंगे, बातचीत करके अगर सरकार ले ले तो सरकार जो है वो हमारी है और 70% अगर किसान है तो उनकी बात को मान लेने में सुन लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आपस में बातचीत करके अगर हम कोई नतीजे पे आ जाते हैं किसानों के हित के बारे में सोचते हुए, और सरकार ये ना सोचे, अहंकारी सरकार है अगर सोच रही है हमने जो सोच दिया वो कर दिया। कांग्रेस कह रही थी कि वो भी ऐसा करेंगे, अरे वो ऐसा करेंगे उनका प्रोसीजर तो अलग होता है, तुम्हारा तो प्रोसीजर अलग है, ये है दोनों में फर्क। इसलिए आवश्यक है कि किसी फैसले पे पहुंचे, किसी नतीजे पे पहुंचे, और अच्छा होगा अगर कल की बैठक में, कल की वार्ता में कोई नतीजा निकल के आता है जो किसानों के हित में हो ताकि किसान सेटिस्फाई हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खास जानकारी देने के लिए, धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आपका। धन्यवाद।